हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू मिश्रा। आज मैं आपको दिवाली स्पेशल इंस्टेंट रवा लड्डू बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। इन लड्डुओं को मैं बिना चीनी और बिना मावा के डिफरेंट कलर्स में बनाकर बताऊंगी। यह खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। इंस्टेंट रवा लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल सूजी, जो कि क्वांटिटी में लगभग 250 ग्राम है। इसे मैंने छान लिया है। 100 ग्राम कंडेंस मिल्क, 3 चम्मच टूटी फ्रूटी, 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा दूध, 5 पिस्ते बारीक कटे हुए, 5 काजू बारीक कटे हुए, 5 बादाम बारीक कटे हुए, आधा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स लड्डुओं को डेकोरेट करने के लिए और लड्डुओं को कलर देने के लिए डिफरेंट फूड कलर्स। सबसे पहले मैं इंस्टेंट रवा लड्डू बनाने के लिए टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स को हल्का भूनूंगी। इसके लिए पैन गरम करने रख देती हूँ और 1 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ। घी गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ और इसमें टूटी फ्रूटी, बादाम, काजू और पिस्ते डालकर 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ। इन्हें हमें ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ मॉइस्चर खत्म होने तक ही भूनना है। 1 मिनट हो चुका है, टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स हल्के भून चुके हैं। अब मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इस बचे हुए घी में सूजी डालकर सूजी का कच्चापन खत्म होने तक भून लेती हूँ। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। सूजी को हमें मॉइस्चर खत्म होने तक ही भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, सूजी में से मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क, भुनी हुई टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मिश्रण को लगातार चलाते रहना है। सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि मिश्रण अच्छे से बाइंड हो सके और लड्डू बनाने में आसानी हो। यदि आपको मिश्रण ड्राई लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा दूध और ऐड कर सकते हैं, जिससे कि मिश्रण लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी में आ सके। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, मिश्रण लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इस मिश्रण से 5 डिफरेंट कलर्स के लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। इसके लिए इस मिश्रण को 5 भाग में डिवाइड कर देती हूँ। मिश्रण 5 भागों में बंटकर तैयार है। अब मैं इन मिश्रण में 2-2 बूंद डिफरेंट फूड कलर्स ऐड करूंगी। पहले मिश्रण में मैं कोई भी फूड कलर ऐड नहीं करूंगी, इसे ओरिजिनल ही रखूंगी। दूसरे मिश्रण में ब्लू कलर, तीसरे मिश्रण में ऑरेंज कलर, चौथे मिश्रण में ग्रीन कलर और पांचवे मिश्रण में रोज पिंक कलर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डिफरेंट कलर्स के रवा लड्डू बनाने के लिए डिफरेंट मिश्रण तैयार हैं। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी फूड कलर्स ऐड कर सकते हैं
और फूड कलर्स की क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ फूड कलर्स का यूज करना टोटल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ओरिजिनल कलर के भी लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इन मिश्रण से लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। मिश्रण को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, हल्का गर्म रहते हुए ही लड्डू बनाना है, नहीं तो मिश्रण हार्ड हो जाएगा और लड्डू बनाने में प्रॉब्लम आएगी। अब मैं हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर लड्डू बना लेती हूँ। पहला लड्डू बनकर तैयार है, इसी तरह से मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। लड्डू बनकर तैयार हैं, अब मैं इन लड्डुओं को सिल्वर बॉल से डेकोरेट करके एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को डेकोरेट कर लेती हूँ। इंस्टेंट रवा लड्डू बनकर तैयार हैं। इंस्टेंट रवा लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इन्हें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।